हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। गर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और अभी गर्मियों की शुरुआत हुई है। और जब गर्मियां होती हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है दही, छाछ, लस्सी। इन सब चीज़ों का हमें अपने डाइट के अंदर समावेश करना भी चाहिए और हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन इस सीज़न में जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैं और मेरे पेशेंट्स जो होते हैं वो अक्सर मुझे ये बोलते हैं, जिनको मैं बेसिकली वीकली डाइट प्लान्स प्रोवाइड करती हूँ वेट लॉस के लिए, थायराइड के लिए, ऑटो इम्यून के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई बीपी के लिए। हाई बीपी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिनको भी हाई बीपी है परमानेंट सोल्यूशन होता है उसका, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं डाइट प्लान्स प्रोवाइड करती हूँ तो वो लोग ये कहते हैं मुझसे, मैम हमें तो डेयरी नहीं लेना है, डेयरी को हमें अपनी डाइट में ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑटो इम्यून में क्या होता है, हम डेयरी से हमें प्रॉब्लम होता है, राइट। और ये बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन न्यू रिसर्च क्या कहती है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, अब ऐसा नहीं है कि जिसको ऑटो इम्यून है उसको डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके लिए मतलब उसको इंटॉलरेंट हो रहे हैं या फिर उसके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स ग्लूटेन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार डेयरी प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कई बार जो होते हैं ग्लूटेन एंड डेयरी, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके ऑटो इम्यून जो है वो इससे बिगड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से है, लेकिन इससे ट्रिगर होता है, इससे बिगड़ता है। अब न्यू रिसर्च क्या कहती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप भी इस वीडियो को समझ सकें कि लैक्टोज और लैक्टोबैसिली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, ये वीडियो मैं उन लोगों को नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो लोग दही पीते हैं, दही खाते हैं, या लस्सी पीते हैं, या छाछ पीते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, मतलब उनको ब्लोटिंग नहीं हो रही है, इनफैक्ट अगर उन्होंने मसाला छाछ लिया है खाने के साथ लंच में, या फिर लंच के बाद वो मसाला छाछ लेना प्रेफर करते हैं, और उनका पेट जो होता है वो बहुत अच्छे से साफ होता है नेक्स्ट डे, तो मैं कहूंगी कि आपको ऐसी कोई भी इंटॉलरेंस नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो न्यू रिसर्च है उसमें क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में जो डेयरी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट अलग होते हैं और कर्ड यानी कि फर्मेंटेड डेयरी, फर्मेंटेड डेयरी में क्या आया, आपका कर्ड आया, आपका छाछ आया, आपकी लस्सी आई, ये सब फर्मेंटेड जो होते हैं ये डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। तो एक वेज आता है जिसमें कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें हम दूध की बात करते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ों की बात करते हैं, जैसे पनीर हो गया, बनी हुई मिठाइयाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, या दूध से बनी हुई चाय या कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें हैं। एक डेयरी वो होता है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट वो होता है जब मिल्क से हम उसको फर्मेंट करते हैं, यानी कि हम उससे फर्मेंटेड दही बनाते हैं। दही क्या है, दही एक फर्मेंटेड फॉर्म है मिल्क की, और दही से फिर हम छाछ बनाते हैं। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ अलग अलग चला जाता है, दोनों तरफ का ग्राफ ही अलग हो जाता है बिल्कुल। तो जिन लोगों को अब ये कहते हैं ना कि मार्केट में ये सब चीज़ बड़ी तेजी से आई कि अगर आपको ऑटो इम्यून है, आपको थायराइड है, आपको ये है वो है, सो आप डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद कर दो, ठीक है, जिसमें कि चीज को मैं फर्मेंटेड में नहीं ऐड करूंगी, मैं चीज को अलग ही रखती हूँ, चीज जो है वो मिल्क प्रोडक्ट में आता है, वो कर्ड प्रोडक्ट में नहीं आता है। तो आपको क्या बोला गया कि आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, डेफिनेटली लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट छोड़े, लोगों ने चाय पीना छोड़ दिया, लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया, मैंगो शेक भी बनाना छोड़ दिया, और मिठाइयाँ, गाजर का हलवा, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने लेना छोड़ दिया, और उनको डेफिनेटली फायदा बहुत हुआ। लेकिन वो एक चीज भूल गए कि जब इस मिल्क को हम फर्मेंट करते हैं तो लैक्टोज जो होता है इसके अंदर, डेयरी के अंदर होता है, दूध के अंदर होता है, और जब दही को जमाया जाता है तो दही के अंदर जो होता है वो लैक्टोबैसिली होता है, ठीक है। और ये लैक्टोबैसिली क्या करता है, ये एक माइक्रोब होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, और ये हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। हमारे गट के अंदर जो है तमाम, जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जब हम अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जब हम कैंड वाले डिब्बे बंद, जब हम इतने सारे आइटम्स खाते हैं, तो उसके अंदर बैड बैक्टीरिया होते हैं डेफिनेटली, और वही हमारे गट के अंदर फिर डेवलप होते हैं। तो उनको फाइट करने के लिए हमें ऐसे खाना खाना बहुत ज़रूरी है जो कि फर्मेंटेड हो, जिसमें हेल्दी माइक्रोब्स हो और गुड बैक्टीरियाज हो। तो वो सारी चीज़ें हमें दूध से बनी हुई जो दही होती है, फर्मेंटेड मिल्क जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें मिलता है। अब बात करते हैं उन लोगों की, तो आपको एकदम से इस चीज़ को क्विट नहीं करना चाहिए। अगर आपको देसी गाय मिलती है तो आप देसी गाय का दूध लीजिए और उसका आप दही जमाकर या छाछ से उसको आप सेवन कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
सेकंड थिंग, अगर आपको देसी गाय नहीं मिलती है तो आप A2 मिल्क ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ होता है। थर्ड, अगर आपको हॉलिस्टिक गाय मिलती है जो कि देसी गाय नहीं होती है, नॉर्मली गाय मिल रही है आपको जिसका कंधा जो होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, जो देसी गाय होती है उसके कंधे के ऊपर कुबड़ निकला हुआ होता है और वो फ्लैट नहीं होता है, तो वो देसी गाय है और वो सेफ है। अगर आपको ऐसे कोई मतलब साइकिल वाले या ऐसे आपको बोलते हैं कि भाई ये गाय का दूध है, उसको छोड़ दो क्योंकि आपको नहीं पता वो कौन सी गाय का दूध है, आप सिंपली भैंस का दूध लो और उसको आप प्रोसेस करो, उसको आप फर्मेंट करो और उसकी दही या छाछ उसका आप सेवन करो। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको डेयरी प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस है, मतलब वो डेयरी प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते, और ऐसे एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स मेरे पास हैं जो डेयरी प्रोडक्ट, जिनको जब भी उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट लिया चाहे वो छाछ या दही की फॉर्म में ही क्यों ना लिया हो लेकिन उनको प्रॉब्लम हुआ, तो उन लोगों के लिए क्या अच्छा होता है, उन लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे दूध आते हैं जैसे कि सिसमी कर्ड है, सिसमी दूध है यानी कि तिल का दूध है, और आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, और वॉलनट मिल्क है, कैशनट मिल्क है, इन सब मिल्क इन सब का दूध जमाइए और उसकी आप दही बना लीजिए। मैंने अपने जो मेरा एक जो ये चैनल है इसके ऊपर मैंने एक रेसिपी शेयर की थी कि कैसे आप ये दूध पीस बना सकते हैं, नट मिल्क जिसको हम बोलते हैं, और उससे दही भी बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगती है, तो आप इसका जो है वो दही बना कर लीजिए। लेकिन इस तरह के हेल्दी बैक्टीरियाज को गर्मियों में भी और नॉर्मली भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए, इसमें कोई भी हार्म नहीं है। और यही मेरी एक कोशिश थी आप लोगों को बताने की, आई होप ये मेहनत मेरी आप लोगों को समझ में आई होगी, ये स्टडी जो मैंने की है इस दौरान, जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि नहीं हम तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, उन लोगों को मैं समझाती हूँ पर्सनली, लेकिन क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं और तो मैं आप लोगों को भी ये समझ मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ ये सब चीज़ें कि ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, कहाँ तक ये जस्टिफाई होता है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।